नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है विजय कुमार। आप देख रहे हैं कॉमिक्स पिटारा चैनल को। तो चलिए दोस्तों, राज कॉमिक्स में वंडरमैन परमाणु की शानदार कॉमिक्स को शुरू करते हैं, जिसका नाम है तिरछी टोपी। तो चलिए इसकी शानदार स्टोरी को शुरू करते हैं। आधुनिकता और फैशन की दौड़ में अंधाधुंध भागता समाज, जिसके साथ कदम से कदम मिलाकर चल रहा है आज का व्यापारी वर्ग। इसलिए फैशनेबल वस्तुओं से भरी पड़ी है शहर की हर दुकान। ऐसे ही एक दुकान में टोपी, हर तरह की टोपी, एक ही जगह पर इतनी टोपियों का संग्रह मैंने आज तक नहीं देखा। यहाँ की तो हर तरह की टोपी मेरे पास होनी चाहिए। जैसे बाज कबूतर पर झपटता है, वैसे ही टोपियों पर झपटा वो शख्स। कुछ ही देर बाद अपनी पसंद की टोपियों के बड़े ढेर के साथ वो बाहर की तरफ चल पड़ा, लेकिन वो दुकान से निकल पाता उससे पहले ही। रुकिए भाई साहब, इन टोपियों की पेमेंट तो करते जाइए, वो ठिटका और अपने चेहरे पर जमाने भर के खूंखार तालिए एड़ियों के बल पर तेजी से पलटा। तिरछी टोपी से तुझे इन टोपियों की कीमत रुपयों में नहीं, मौत में मिलेगी। सर, बंदूक से छुटी गोली की गति को मात करती हवा में सनसनाई वो टोपी और अपना काम करके वापस उसके सिर पर जा पहुंची, जिसने अपना नाम रखा हुआ था तिरछी टोपी। जिसके होठों पर मौजूद मुस्कान शैतानियत की ऊंचाइयों को छू रही थी और कंठ से निकल रहे थे किसी के भी लहू को जमा देने वाले वे शब्द। जल्द ही पूरी दिल्ली देखेगी तिरछी टोपी का कमाल। दिल्ली सैकड़ों वर्षों से अपनी शानो शौकत के लिए सारे विश्व में मशहूर, जिसकी शोभा में चार चांद लगा देते हैं कुछ खास अवसर। ऐसे ही अवसरों में एक अवसर आज है, क्योंकि आज हो रहा है एक प्रसिद्ध राजनेता की पुत्री का विवाह और इस विवाह में पानी की तरह बहाया जा रहा है लाखों रुपया। जिनकी सुरक्षा के लिए यहाँ पुलिस फोर्स के साथ मौजूद है दिल्ली पुलिस का जांबाज इंस्पेक्टर विनय और मनोरंजन के लिए मौजूद है ये जादूगर। जादूगर के मनोरंजक जादू भरे खेलों ने सभी को मंत्रमुग्ध सा कर दिया। हर कोई दम साधे जादूगर के खेलों का आनंद ले रहा था। अचानक जादूगर की आवाज सभी की तंद्रा को भंग करती चली गई। दोस्तों, अब मैं आपके सामने पेश करने जा रहा हूं अपना एक ऐसा बेहतरीन आइटम, जिसे देखकर आप दांतों तले उंगली दबाने के लिए मजबूर हो जाएंगे। अपने इस हैरतअंगेज आइटम को पेश करने के लिए मुझे एक सहयोगी की जरूरत है और इसके लिए मैं दुल्हन त्रियंका को स्टेज पर पहुंचने की प्रार्थना करूंगा। अगर त्रियंका जी मेरे इस आइटम में शामिल होंगी तो उसका मजा दुगुना हो जाएगा। प्लीज त्रियंका जी, कम ऑन द स्टेज। मुस्कुराते हुए दुल्हन त्रियंका अपने स्थान से उठी और स्टेज पर जा पहुंची और इसी के साथ जादूगरी के एक हैरतअंगेज खेल की शुरुआत हो गई। दोस्तों, आप सबकी आंखों के सामने मैं त्रियंका जी को लेकर इस बड़े हैट में कूदूंगा और फिर ठीक 3 मिनट बाद मैं और त्रियंका जी एक नए रूप में आपके बीचों बीच प्रकट हो जाएंगे। तो दोस्तों, दिल थामिए, हम चले। जादूगर त्रियंका को लेकर उस बड़े हैट में कूद गया और लोग दम साधे बैठे रहे। अब सबको 3 मिनट गुजर जाने का इंतजार था, क्योंकि ठीक 3 मिनट बाद उनके सामने घटने वाली थी एक आश्चर्यजनक घटना। लेकिन 13 मिनट बाद भी कुछ नहीं घटा तो ठनक गया सभी का माथा। 13 मिनट हो गए, ना जादूगर नजर आया और ना त्रियंका। जरा हटिए, मैं हैट में झांक कर देखता हूँ माजरा क्या है। एक साथ कई लोग उठकर स्टेज पर पहुंचे और वहां मौजूद बड़े हैट में झांकते ही सन रह गए। ओह नो, ओह माय गॉड, सभी की आंखें फटी फटी आंखों को हैट के अंदर दिखाई दे रही थी वो सुरंग, जिसका दूसरा मुहाना पास ही मौजूद एक गहरे गटर में मौजूद था। उफ, ओह, अब तो सबकी समझ में आनी ही थी वो बात, त्रियंका जी का अपहरण हो गया है। वो जादूगर मेरी बेटी का अपहरण करके ले गया, अब क्या होगा? आप चिंता ना कीजिए मैडम, हम जल्दी उस जादूगर अपहरणकर्ता और त्रियंका जी को ढूंढ निकालेंगे।
मुहाने के पास ही ये लेटर दीवार में टंगा मिला है, सोनिका मैडम के लिए। सोनिका ने वो कागज सिपाही के हाथ से झपटा और उसे एक ही सांस में पढ़ डाला। नहीं सोनिका जी, मैं आपकी प्यारी बेटी का अपहरण करके ले जा रहा हूँ। वो मेरे पास आपकी अमानत है, उसे मैं आपको वापस लौटा सकता हूँ, लेकिन उसके लिए मुझे वे 50 करोड़ रुपए के गहने चाहिए जो आप अपनी बेटी को उपहार स्वरूप देने जा रही थी, वरना मैं आपकी बेटी का सिर आपको उपहार में दूंगा। तिरछी टोपी, हमें तिरछी टोपी की मांग मंजूर है, लेकिन मैडम कोई लेकिन वेकिन नहीं। इंस्पेक्टर, गहनों के लिए हम अपनी बेटी के बलि नहीं दे सकते। रात के अंधेरे में डूबा दिल्ली का यह सुनसान इलाका, जहां नजर आ रहे हैं श्रीमती सोनिका और उनका दामाद, जिनके पास मौजूद है वो सूटकेस जिसमें भरे हैं गहने, जिनके बदले उन्हें मिलने वाली थी उनकी बेटी त्रियंका। पता नहीं वो त्रियंका को लेकर यहाँ आएगा भी या नहीं। मेरा दिल तो बैठा जा रहा है, अपने बैठते हुए दिल को संभालिए सोनिका जी, क्योंकि पगड़ आपकी बेटी के साथ यहाँ हाजिर है। आप दोनों के सिवा यहाँ और कोई तो नहीं है, इसकी जांच करने में जरा देर हो गई। मम्मी, त्रियंका। पगड़ ने त्रियंका का हाथ उसकी माँ के हाथ में थमाते हुए गहनों से भरा सूटकेस थाम लिया। जाइए, अपनी बेटी के वापस लौटने की खुशी में जश्न मनाइए। मैं भी चलता हूँ अपने अड्डे पर भाई के साथ जश्न मनाने। जश्न मनाने के लिए तुम्हारे अड्डे से ज्यादा मजेदार जगह है सेंट्रल जेल। ताड़! ओह, शमशान के बारे में क्या ख्याल है? वहां तेरी तेजाब से जली लाश पहुंचाकर जश्न मनाने में ज्यादा मजा आएगा सर। पगड़ की टोपी से निकली थी वो तेजाब की धार, जिसने दूसरे पल स्थिति की गंभीरता परमाणु को समझा दी। ओह, इतना घातक तेजाब जो 1 सेकंड में लोहे के एक मजबूत खंभे को पिघला सकता है। एक क्षण के लिए परमाणु का ध्यान उस पर से बटा। उसी एक क्षण में पगड़ की पगड़ी उसके हाथ में पहुंच गई। तेरे से खेलता रहूं इतना टाइम नहीं है मेरे पास, इसके लिए मैं सीधा खेलता हूं तेरी मौत का खेल। साए साए, बिजली की तरह लहराई पगड़ की पगड़ी, और ओफ, पगड़ की पगड़ी ने तो सांप की तरह मेरे इर्द गिर्द कुंडली डालकर मुझे जकड़ लिया। मुझे इसे जल्दी अपने शरीर से नोच फेंकना होगा। आह, बहुत अनोखी है मेरी पगड़ी। यह दिखने में तो कपड़े की लगती है, लेकिन असल में इसमें कपड़े के साथ बहुत पतले लचीले मगर मजबूत लोहे के तार भी मौजूद हैं, और साथ ही मौजूद है एक ऐसा सर्किट जो इस रिमोट से संचालित होता है। जैसे जैसे मैं इस रिमोट से फ्रीक्वेंसी बढ़ाता हूँ, वैसे वैसे लोहे के तार सिकुड़ते चले जाते हैं, और जो भी चीज उनके बीच में होती है उसका कचूमर निकाल देते हैं। तेरा भी यही हाल होने वाला है परमाणु। आह, मेरी पगड़ी तेरा कीमा बनाने वाली है। ये पगड़ी किसी मजबूत स्प्रिंग की तरह मेरे शरीर को कसती जा रही है। मुझे अपनी पसलियां अपने मांस में धसती प्रतीत हो रही है। मुझे ऐसा लग रहा है जैसे मेरी सांस रुक रही है, और ये सांसें पूरी तरह रुक भी जाएंगी अगर मैंने अपनी जान बचाने के लिए खुद को नहीं किया ट्रांसमिट। परमाणु के मुंह से उस शब्द के निकलने की भी देरी थी। पगड़ की आंखों को दिखा वो आंखों को फाड़ देने वाला दृश्य। ओह, कहाँ गया परमाणु? जब तक तू यहां है तब तक मैं कहाँ जाऊंगा? परमाणु के इस वार से चक्कर खाकर लड़खड़ा गया पगड़। चल अब मेरे साथ सेंट्रल जेल की अंधेरी कोठरी तक चल, वहां तेरे आराम में खलल डालने वाला कोई ना होगा। अब परमाणु को पगड़ के होश छीन लेने में ज्यादा देर नहीं लगी। सोनिका जी, अब आप गहनों से भरे इस सूटकेस और त्रियंका जी को लेकर घर लौटिए। मैं इस बदमाश को पुलिस तक पहुंचाता हूं। इसके लिए तुम्हें कष्ट करने की जरूरत नहीं है परमाणु जी, पुलिस खुद यहां आ पहुंची है। यह है इंस्पेक्टर धनुष, मैं हूं हवलदार बान।
ये दोनों घाग यहां कहां से आ टपके? इंस्पेक्टर धनुष और हवलदार बाण के रूप में पुलिस आ पहुंची थी। अब परमाणु को यहां से खाली हाथ लौटना ही था। पगड़ को गिरफ्तार करने का जो श्रेय मुझे यानी इंस्पेक्टर विनय को मिलना था, अब वो सारा श्रेय ले जाएंगे इंस्पेक्टर धनुष और हवलदार बाण। वेल डन, तिरछी टोपी के साथ ही पगड़ को गिरफ्तार करके तुमने अपने बेमिसाल बहादुरी का सबूत दिया है। थैंक यू सर, थैंक यू वेरी मच। एसीपी से मिली इस शाबाशी ने इंस्पेक्टर धनुष और हवलदार बाण को फुलाकर कुप्पा कर दिया। देखा इंस्पेक्टर साहब, सर जी की बेमिसाल बहादुरी का कमाल। पकड़ को पकड़ने के लिए अपने जान पर खेल गए सर जी। सचमुच बहुत बहादुर हैं तुम्हारे सर जी। वे कैसे जान पर खेले और कैसे उन्होंने पकड़ को गिरफ्तार किया, ये सब मैं जानता हूँ। तुम ये बताओ कि पगड़ से तिरछी टोपी के बारे में जुबान खुलवाने में सफल हो भी पाए हो या नहीं? कोशिश जारी है इंस्पेक्टर विनय, और इस कोशिश में मैं सफल होकर भी दिखाऊंगा, क्योंकि इंस्पेक्टर धनुष चाहे तो पत्थर भी चीखने लगते हैं। मैं तुम्हारी सफलता की प्रार्थना करूंगा इंस्पेक्टर। ना इंस्पेक्टर विनय की प्रार्थना सफल होने वाली थी और ना इंस्पेक्टर धनुष की कोशिश, क्योंकि तिरछी टोपी सक्रिय हो उठा था। मुझे किसी भी तरह अपने छोटे भाई पगड़ को पुलिस की गिरफ्त से छुड़ाना है। तिरछी टोपी तुरंत ही पगड़ को पुलिस के उस मजबूत जाल से छुड़ाने के लिए निकल पड़ा जो पगड़ के इर्द गिर्द कसता ही जा रहा था। एनी प्रोग्रेस इंस्पेक्टर? नो सर, मैं टॉर्चर का हर तरीका पगड़ पर आजमा चुका हूं, लेकिन वो टूटने का नाम ही नहीं लेता। बहुत से अपराधी ऐसे सख्त जान होते हैं लेकिन वक्त के साथ टूट ही जाते हैं। हमने उसे हेडक्वार्टर से जेल भेजने का निर्णय ले लिया है। तुम अपना कस्टडी में उसे आज रात 10 बजे सही सलामत जेल पहुंचाओगे इंस्पेक्टर धनुष। ओके सर। तभी इंस्पेक्टर विनय बोल उठा, पगड़ खतरनाक और महत्वपूर्ण आदमी है। पगड़ खतरनाक और महत्वपूर्ण अपराधी है। अगर इजाजत दें तो उसे जेल पहुंचाने में मैं भी इंस्पेक्टर धनुष की सहायता करूं। मुझे किसी की सहायता की जरूरत नहीं है सर, इंस्पेक्टर धनुष ने पुरजोर विरोध किया, लेकिन अंततः इंस्पेक्टर विनय की ही बात मानी गई। इंस्पेक्टर विनय ठीक कह रहे हैं, पगड़ के मामले में जरा सा भी रिस्क लेना ठीक नहीं है। इंस्पेक्टर विनय तुम्हारे साथ ही जाएंगे। इंस्पेक्टर धनुष कमिश्नर के ऑफिस के पीछे लगे पेड़ पर टंगी माइक्रो ट्रांसमीटर से युक्त टोपी की वजह से मैं सारी बात जान गया हूँ। इसलिए इंस्पेक्टर विनय, क्या सारी दुनिया के इंस्पेक्टर भी एक साथ इकट्ठे हो जाएं तब भी वे मुझे नहीं रोक पाएंगे। पगड़ पुलिस की गिरफ्त से छूटेगा क्योंकि अब होगा हंगामा, अब सजेगी बारात। उसी रात 10 बजे सड़क के सीने को रौंदकर तेजी से अपने मंजिल की तरफ बढ़ रहे थे वे दो वाहन, जिनमें से एक में था पगड़ और एक में थे इंस्पेक्टर विनय और इंस्पेक्टर धनुष के साथ अन्य पुलिस वाले, जिनके कंधों पर थी पगड़ को सही सलामत जेल पहुंचाने की जिम्मेदारी। जानते हो हवलदार, पगड़ को जेल पहुंचाने वाले काम में इंस्पेक्टर विनय हमारा सहयोग क्यों करना चाहता है? बिल्कुल, पगड़ को गिरफ्तार करने की हमें जो वाहवाही मिली है उसका थोड़ा हिस्सा इन्हें भी मिल जाए। एकदम ठीक कहा हवलदार, वैसे थोड़ी बहुत वाहवाही इसे मिल भी जाए तो इसमें हमारा क्या जाता है, बेचारे की प्रमोशन के वक्त काम आएगी। इनकी बेकार की बातों में उलझकर मैं अपना दिमाग खराब नहीं करना चाहता। वाहन तेजी से जेल की तरफ बढ़ रहे थे तभी तेजी से भागते दोनों वाहनों को अचानक रुक जाना पड़ा, क्योंकि सामने मौजूद थी वो बारात जिसमें शामिल लोगों ने सड़क को पूरी तरह ब्लॉक कर रखा था। अब दोनों वाहनों को दोबारा सड़क पर दौड़ उठने के लिए इंतजार था बारात के गुजर जाने का, लेकिन किसी को क्या मालूम था कि वो बारात गुजरने के लिए नहीं बल्कि किसी और मकसद से आई थी, और वो मकसद तुरंत ही सामने आ गया। सर, दो बैंड मास्टरों की टोपियों से निकलकर उन नुकीली स्टारों ने दोनों वाहनों के टायरों को बेकार कर डाला। खतरे को तुरंत ही भांप गया इंस्पेक्टर विनय ने।
सभी अपने आप को संभालो। सामने बारात में जितने भी बैंड वाले हैं सभी बदमाश हैं। इंस्पेक्टर विनय के साथ धनुष बाण और अन्य सिपाही भी जीप से कूदे और पलक झपकते ही सभी ने मोर्चा ले लिया। फायर! पुलिस पार्टी की तरफ से गोलियां बरसी लेकिन उनमें से एक भी बैंड पार्टी तक ना पहुंच पाई। टनाक टन! बैंड को बजाने के साथ साथ ढाल के रूप में भी प्रयोग किया जा सकता है। ढाल के रूप में उनके हाथ में थे बैंड और हथियार के रूप में उनके सिरों पर मौजूद थी उनकी टोपियां, जो सिपाहियों को ना सिर्फ निहत्ता कर रही थी बल्कि बेहोश भी कर रही थी। टोपी वाले लुटेरे काफी संख्या में तो हैं ही, साथ ही पूरी तैयारी करके भी आए हैं। इन्होंने मेरे अधिकतर साथियों को बेहोश कर दिया है, इसलिए इनसे इस तरह का मुकाबला करते रहना बेवकूफी होगी। इंस्पेक्टर विनय चुपके से एक तरफ सरकता चला गया। अब बदमाशों के सामने इंस्पेक्टर धनोसी एक अड़चन था। धाएं धाएं! लेकिन वो अड़चन ज्यादा देर टिकी नहीं रही, ये भी बेहोश हो गया। अब हमारे और पगड़ के बीच में सिर्फ वैन का यह दरवाजा ही रुकावट है। इस कहानी को यहीं खत्म करते हैं, इसके आगे कहानी पढ़ेंगे इसके पार्ट टू में। तो मिलते हैं दूसरे पार्ट में, तब तक के लिए बाय। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी है तो इस वीडियो को लाइक कर देना, चैनल पे नया हो तो चैनल को सब्सक्राइब कर जरूर कर देना और जहां इस वीडियो की जरूरत हो वहां इसको शेयर जरूर कर देना और हमारे दूसरे चैनल डिवाइन टेक्नोलॉजी और टॉप 10 पिटारा को भी जरूर से सब्सक्राइब कर देना। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़।